जी तमाम स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कल एक अहम दिन है और उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। आखिर में मैं आपसे लोगों से डायरेक्टली बात करूंगा कि आप लोगों के क्या क्या मसाइल होते हैं पढ़ाई के हवाले से, या किस तरह आपने कल कुछ अटेम्प्ट करना है, चीजें बारीक से जो भी बात करना चाहे वो लास्ट में कर देंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देनी है और जो इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करेगा उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेस्ट में बहुत फायदा हो जाएगा अच्छे मार्क्स लेने के हवाले से। वैसे तो आमतौर पे जब हम इंस्ट्रक्शंस की क्लास अनाउंस करते हैं लास्ट में तो काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन इस दफा वाली क्लास में मुझे पता नहीं क्यों ये रिस्पॉन्स थोड़ा सा वीकर रहा। कल फीमेल क्लास में भी स्टूडेंट इतने नहीं थे, आज मेल में भी मेरे ख्याल से एक आदमी फुल नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि आप लोग सिर्फ किताबें रटते रहते हैं, घरों में बैठना पसंद करते हैं और हॉस्टल में बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ किताबें आप लोग चाट रहे होते हैं। जो बातें मैं आज आपसे करूंगा उसमें पढ़ाई की डिस्कशन नहीं होगी, उसमें डिस्कशन होगी कि आपने टेस्ट से एक दिन पहले यानी आज के दिन पे क्या करना है, कल टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और इन इंस्ट्रक्शंस को जो बंदा फॉलो करेगा उसको बहुत एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए जरूर इन बातों पे अमल कीजिए। आपको एक टेस्ट पेपर दिया गया है फाइनल मॉक टेस्ट का, उस टेस्ट पेपर में शुरू में 2-3 पेजेस इंस्ट्रक्शंस के हैं, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं और हर एक बात को एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, और से सुनते जाइए। फाइनल प्रिपरेशन The day before the test, कल आपका टेस्ट है, आज की बात हो रही है। किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप 4-5 दिन पहले क्लास रखते, तो 4-5 दिन पहले अगर क्लास रखी जाती तो उसमें हम फाइनल डे को डिस्कस नहीं कर सकते थे, और 4-5 दिन पहले क्लास रखी जाती तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वेटा के स्टूडेंट्स आ सकते, और बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने कल टेस्ट देना है वो आज उम्मीद है पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे, उनको भी फायदा देना था, इसलिए आज के दिन पे क्लास जो है इंस्ट्रक्शन की वो अहमियत थी उसकी। पहला पॉइंट देख ले, द डे बिफोर द टेस्ट, आज के दिन की बात हो रही है। रिव्यू एमसीक्यूज, आपने आज सिर्फ क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप लोग करें, जो स्टैंडर्ड आपके पास एमसीक्यूज है उनकी प्रैक्टिस करें। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी एट दिस पॉइंट विल प्रोबेबली ओनली हाइटन योर एंजाइटी। इस वक्त आप लोग बड़े परेशान होंगे, किताबें खोल के कभी एक पेज पे आ रहे होंगे, कभी दूसरे पेज पे सफ़े पलटते जा रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ याद नहीं है। ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा इंसान को लगता है कि इंसान कुछ याद नहीं है, लेकिन असल में आपके दिमाग में जो सबकॉन्शियस का एक हिस्सा होता है उसको सब याद होता है, जो अगर जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा उसकी तो बात ही नहीं है, जिसने पढ़ाई की है उसके सबकॉन्शियस में चीजें होती हैं, लगता है ऐसे कि उसको पता नहीं है लेकिन सबकॉन्शियस में वो चीजें होती हैं। जब सवाल आपके सामने आएगा, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो एमसीक्यूज की, तब आपके जहन में उसका आंसर भी आ जाएगा। इस वक्त जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आपके टेंशन में इजाफा करे। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जितना रिलैक्स अंदाज से गुजार सकते हो गुजारो। मैं अगर आपको कहूं कि आज आप कुछ भी ना पढ़ो तो शायद आप लोग कहोगे सर ऐसा हो नहीं सकता, हमें तो आज भी पढ़ना है, आज आपने क्लास क्यों रखी, आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फार्मूले रिवाइज करने थे, ये करना था वो करना था। आज के दिन पे बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स लाइफ गुजारे, क्योंकि कितने अरसे से आप पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं दिसंबर बैच को लूं तो दिसंबर बैच के स्टूडेंट जो है वो पिछले 11 महीनों से पढ़ रहे हैं, और अगर जून बैच के स्टूडेंट को लिया जाए तो वो भी पिछले 5 महीनों से लगातार पढ़ रहे हैं। तो इतनी पढ़ाई अगर आपने की है और अब आप आखिरी दिन को सोच के बैठे हो कि मैं आज सारी किताबें याद कर लूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के दिन को थोड़ा सा रिलैक्स माहौल में पढ़ें जरूर, लेकिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। लंबे लंबे लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी पढ़ते रहना वो इजाफा करेगा आपके टेंशन में, वो नहीं करना। सो जस्ट गो थ्रू स्टैंडर्ड एमसीक्यूज फॉर ईयर your satisfaction, and if you feel difficulty in any question then consult that particular topic in book, otherwise no need। agar aap padhna kuch chahte hain
तो आप एमसीक्यूज की तैयारी करते हुए पढ़ सकते हैं, एमसीक्यूज पढ़ते जाएं, जो सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है उसके टॉपिक को आप रिव्यू कर सकते हैं, वो आप किताब से खोल के उसको देख सकते हैं। This type of limited, relaxed review will probably make you more comfortable and better prepared. Relax रहना है ताकि कल के दिन पे आप fresh होके अच्छे अंदाज में जा सकें और अच्छा test attend कर सकें। Get together the material that you will need. अब ये जो instruction है कि भाई आपने क्या क्या तैयार करके रखना है, शायद बहुत छोटी इंस्ट्रक्शन है, शायद इसकी आप लोग को अहमियत पता ना हो, आप लोग कहें कि सर ये क्या बता रहे हैं कि कल आपने क्या क्या ले जाना है। लेकिन देखिए, अगर आप इस चीज को आज ही रात को तैयार कर लेंगे तो सुबह के टाइम पे आप परेशान नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे रोल नंबर स्लिप है, अगर आपने रोल नंबर स्लिप जो है वो अपनी जगह पे नहीं रखी हुई तो सुबह जब आप उठेंगे उस वक्त आपको परेशानी होगी, रोल नंबर स्लिप कहाँ है, फिर आप ढूंढ रहे होंगे उसको, वो नहीं मिल रही होगी, तो ये एक एक्स्ट्रा परेशानी में इजाफा हो गया। ब्लू पेन्स ले जाने हैं, ब्लू पेन आपने रात को अरेंज करके नहीं रखी, सुबह परेशानी है, ना दुकान खुले हुए ना कुछ है, आप परेशानी में इधर उधर घूमते रहेंगे, उल्टा इजाफा है टेंशन में। मैं चाहता हूं कि आप जो है वो किसी भी चीज का टेंशन कल के दिन पे ना ले, आज के दिन पे आपने तमाम चीजें रात के वक्त इकट्ठी कर लेनी है। उसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारा का सारा डाटा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने स्मार्ट कार्ड, अगर आप लोगों के पास स्मार्ट कार्ड किसी के पास है तो आप स्मार्ट कार्ड को ले जाएंगे, उसको आप रात को अपने साथ रख लें। किसी के पास अगर स्मार्ट कार्ड नहीं है तो वो अपना बेफॉर्म ले जाएगा और उसके साथ डीएमसी अपनी मैट्रिक, एफएससी की, खासतौर पर एफएससी अगर हो तो बेहतर है, एफएससी की फर्स्ट ईयर की डीएमसी, सेकेंड ईयर की अगर अवेलेबल है तो आप वो, मेरे ख्याल से रिजल्ट का मुझे आइडिया नहीं है कि आपका है नहीं, जो भी डीएमसी आपके पास है वो एक डीएमसी होनी चाहिए ताकि आपका सबूत हो सके कि आप ही स्टूडेंट हो, तो बेफॉर्म ले जाए साथ में एफएससी रिजल्ट। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो फिर आपको डीएमसी ले जाने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट कार्ड ही काफी है। दूसरी चीज, योर एडमिशन कार्ड, यानी के रोल नंबर स्लिप। एडमिशन कार्ड, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एडमिशन कार्ड क्या होता है, एडमिशन कार्ड का मतलब है रोल नंबर स्लिप की बात हो रही है, रोल नंबर स्लिप आपने ले जाना है। टू ब्लू पेन्स, बॉल पॉइंट ले जाना है, मार्कर नहीं ले जाने, ये जो पॉइंटर्स होते हैं उससे काम नहीं बनेगा, आपने बॉल पॉइंट्स ले जाने, वो भी ब्लू कलर के। आपकी जो एडमिशन कार्ड यानी कि रोल नंबर स्लिप है उस पर भी लिखा हुआ है ब्लू पेन्स आप ले जाएंगे, और एक नहीं दो ले जाएंगे क्योंकि एक खराब हो सकती है, एक में मसला हो सकता है, इसकी एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। एक्स्ट्रा होने का फायदा परेशानी ना हो, खराबी अगर हो जाती है तो आपको परेशानी ना हो, सारी बातें जो है वो परेशान करने वाली, उनसे परेशानियों से बचने वाली बातें हैं। नेक्स्ट थिंग, आपने पेंसिल्स जो है, हालांकि पेंसिल्स तो नहीं लिखी हुई थी जो आपके पास रोल नंबर स्लिप आई है उसमें कहीं पर भी पेंसिल्स का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं पेंसिल्स आपको कह रहा हूँ, साथ में आपको इरेजर भी कहूंगा, हालांकि वहां उस पर लिखा है, जो एडमिशन स्लिप है उस पर लिखा है कि आपने कोई भी इरेजर वगैरह नहीं लाना, तो पेन का इरेजर वैसे ही काम नहीं करेगा, उसको तो नहीं ले जाना, लेकिन अगर आप जो पेंसिल है उसका इरेजर ले जाएंगे तो वो जरूरी इसलिए है कि अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा, आप करना चाहते हैं, आपने सोचा समझा, कंफ्यूजन थी, लेकिन आप कहते हैं कि दो ऑप्शंस काफी मिलते जुलते हैं, उन दो ऑप्शन में से मैं अभी मार्क कर लेता हूँ, आखिर में इस पे सोचूंगा, तो आप फिलहाल उसको पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, बाद में किसी दोस्त ने आपकी मदद कर दी, कोई बता दिया आपको या आपके जहन में आंसर आ गया तो आप उसको मिटा सकते हैं और मिटा के वापस आप उसको पेन से कर सकते हैं। फाइनली आखिर में तो सारा का सारा बॉल पॉइंट से होना है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, दूसरी चीजें होते हैं, उसमें इंसान कंफ्यूज होता है, आंसर आ भी रहा है सर उसमें श्योर भी नहीं है, तो आप उसको पेंसिल से मार्क कर लो और आखिर में आप उसको सेटिंग करके उसको लास्ट में फुली फाइनली जब आप रीचेकिंग कर रहे होंगे तो आप उसको पेन से कर लीजिएगा। उसके अलावा आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए, ऐसी घड़ी जिसमें कैलकुलेटर वगैरह ना हो, स्मार्ट वॉचेस नहीं होनी चाहिए, सादा वॉच हो, घड़ी का इस्तेमाल आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा, घड़ी आपके पास हो, आपके पास जो है वो गत्ता होना चाहिए जिसपे आप पेपर करेंगे। बातें मत करें प्लीज, लड़के हैं बातें मत करें, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, अदरवाइज पर म्यूट करवा दूंगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसलिए आपस में डिस्कशन, वो सारी मुझे शोर आ रहा होता है, तो ख्याल कीजिए।
तो ये तमाम चीजें आज रात को आप 9 बजे तैयार कर लेंगे, आप अपना ड्रेस भी तैयार कर ले। ये ड्रेस का मसला तो खैर खवातीन के साथ ज्यादा होता है, मेल तो बेचारे जो भी कपड़ा मिल जाए उसको पहन लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमारे मेल हजरात आजकल जो लेटेस्ट फैशन है उसमें अच्छी खासी इस्त्री करके रखना, दूसरी चीजें ये आप लोग करते हैं। तो ये सारा कार्रवाई जो है वो आपने रात को कर लेनी है, सुबह पे मत छोड़ना। सुबह पे आप एक्स्ट्रा टेंशन में होंगे, इसलिए रात को सारा कुछ इकट्ठा करके एक जगह पे रख दे कि सुबह मैंने ये चीजें उठा ली। यू शुड ऑल्सो गो ओवर दिस चेकलिस्ट, प्लान योर एक्टिविटीज सो दैट यू हैव टाइम फॉर अ प्रॉपर नाइट स्लीप। नींद करनी है, हालांकि नींदें उड़ी होती है, मुझे अपना वक्त भी याद है, उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैं हमेशा रास्ते में होता हूँ तो कहते हैं सर हम तो परेशान है, हमें तो नींद आ ही नहीं रही है। तो देखिए नींद इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज हर वक्त आप टेस्ट का सोच रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं जिंदगी बनेगी नहीं बनेगी, पता नहीं फ्यूचर डिसाइड होगा नहीं होगा, फेल हो जाऊंगा पास हो जाऊंगा, घर वालों के ताने होंगे, रिश्तेदारों के ताने होंगे, ये सारी बातें दिमाग में घूम रही होती हैं, इसलिए इंसान को नींद नहीं आती। तो इसका एक तरीका है कि आप नमाज जब पढ़ते हैं दुआ करें उसमें, और दुआ करके इस चीज पे अपने दिल को आमादा कर लें कि जो भी होगा वो बेहतर होगा। अगर मेरे नसीब में डॉक्टर बनना और किसी की खिदमत करना, पेशेंट को चेक करना लिखा है, मैं अगर अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। बहुत सारे डॉक्टर है वो भी तकलीफ पहुंचाते हैं, मरीजों को सही तरह चेक नहीं करते, अच्छे डॉक्टर नहीं होते, गलत दवाई दे देते हैं। तो आप ये दुआ करें कि अगर आपके नसीब में अच्छा डॉक्टर बनना लिखा है तो अल्लाह आपके नसीब बेहतर फरमाए और आपकी सीट करवा दे। दूसरी तरफ आप ये भी दुआ करें कि अगर ये चीज आपके हक में बेहतर नहीं है तो फिर ये ना हो तो अच्छी बात है। ये दोनों चीजें दुआ में दोनों चीजें होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना, हर कोई डॉक्टर बन नहीं सकता। तो दुआ में आप ये भी करें कि अगर आपके हक में ये चीज आपके फ्यूचर के हिसाब से बेहतर नहीं है तो अल्लाह फिर जिस चीज में बेहतरी है उसकी तरफ ले जाए। जब आप ये यकीन के साथ अगर आप आज रात को जो भी आपकी नमाज का टाइम होता है उसमें नमाज पढ़ के दुआ कर लेते हैं तो आपको नींद भी सुकून में आएगी, क्योंकि आपको फेल होने का डर नहीं होगा। नींद इसलिए नहीं आ रही बिकॉज आपको फेल होने का डर है। तो अगर आप फेल होने के डर को निकाल दें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, रिलैक्स होकर सो जाए, अच्छी नींद लें, सुबह आप जब टेस्ट के टाइम पे जाएंगे तो उस वक्त आपको नींद नहीं आनी चाहिए, दिमाग आपका फ्रेश होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आज को थोड़ा सा नींद करना अच्छे तरीके से जरूरी है, मुश्किल है लेकिन कोशिश करें। सेट योर अलार्म क्लॉक सो एज टू अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम टू ड्रेस, ईट योर यूजुअल ब्रेकफास्ट एंड रीच द टेस्ट सेंटर विदाउट हेस्ट एंड एंजाइटी। अब इसमें भी दो तीन बातें हैं, एक तो अलार्म क्लॉक को आप सेट कर रहे हैं तो अलार्म क्लॉक की आवाज को जो है बुलंद रखें। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारी रात नहीं सोएंगे, वो आखिर में 2 घंटे शायद मिसाल के तौर पे सुबह नमाज पढ़ के कहते हैं कि आप 2 घंटे सो जाते हैं, आप 2 घंटे सो गए और 2 घंटों के आश्रय पे आपने अलार्म क्लॉक रख दिया तो आप तो जनाब सोने के आदि हैं 8-8, 10-10 घंटे। अब 2 घंटे आपकी नींद पूरी होगी नहीं, अलार्म बजता रहेगा, वो बजते बजते चुप हो जाएगा, आप उठोगे नहीं। तो इसलिए अलार्म क्लॉक की आवाज अच्छी होनी चाहिए, टाइम पे सोएंगे तो नींद आ भी जाएगी और अगर आ भी रही है नींद तो फिर आप उठ भी टाइम पे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग्स पे लिखा है प्लेंटी ऑफ टाइम देना है अपने आप को ड्रेस करने के लिए, अपने आप को खाना खिलाने, कौन सा खाना, नाश्ते की बात हो रही है। अब नाश्ता बहुत सारे स्टूडेंट को पसंद ही नहीं आएगा, हॉस्टल में जो रह रहा है उसके लिए कौन नाश्ता बनाएगा, कौन नाश्ता करेगा, थोड़ा मुश्किल लगता है और नाश्ता शायद अच्छा भी नहीं लगता होता, भूख भी मर जाती है ऐसी सिचुएशन में। कोशिश करें कि थोड़ा सा कुछ खा लें, क्योंकि अगर आप वहां पे पहुंच रहे हैं टेस्ट सेंटर में आपको बहुत टाइम लगेगा। अब उन्होंने टेस्ट की टाइमिंग जो दी हुई है वो 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक दी हुई है, 3.5 घंटे तो टेस्ट सिर्फ होगा, उससे पहले वो 9 बजे आपको बुला रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि 9 बजे आप पहुंच जाओ, 9:30 गेट बंद हो जाएंगे। तो पहुंचना आपने 9 बजे है, फिर वो आपका रोल नंबर स्लिप चेक करेंगे, आपको प्रॉपर सीट्स पे बिठाएंगे, फिर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, फिर आपको पेपर देंगे, इसमें 2 घंटे गुजर जाएंगे, तकरीबन 11 बजे आपका टेस्ट शुरू होगा। तो 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपने तकरीबन 5.5 घंटे वहां पे रहना है। तो अगर आपने कुछ खाया नहीं होगा, आपका सर चकरा रहा होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में आप होंगे, ग्लूकोज लेवल आपका ठीक नहीं होगा, सर चकरा रहा है, गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है बंदा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा नाश्ता कर ले ताकि आप इन परेशानियों से बाद में बचे रहे। फिर अगली बात लिखी है रीच द टेस्ट सेंटर विदाउट हेस्ट एंड एंजाइटी। सुबह आपने टाइम पे निकलना है,
यूटम्स आपका जो है टेस्ट सेंटर है बलेली चेक पोस्ट के तरफ, तो उस पे आपको पहुंचते हुए कुछ टाइम भी लगेगा, ट्रैफिक का पता भी नहीं है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होती है आजकल, ट्रैफिक जैम भी लगा होता है। तो 9 बजे अगर आपने वहाँ टेस्ट सेंटर में जो है रिपोर्टिंग टाइम है आपका, तो कम से कम आप 8:15 बजे अपने घरों से हॉस्टल से निकल जाए, ताकि आपको अगर आधा घंटा रास्ते में लग रहा है तो आप टाइम पे पहुंच सके। कोशिश करें कि जल्दी निकलें, 8 बजे अपने घरों से अपने हॉस्टल से निकल जाए, ताकि प्रॉब्लम आपको ना हो। टेस्ट सेंटर अगर देखें बंद हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा मिनट जारी है, फिर बोलेंगे सर प्लीज छोड़ दो, टाइम निकल रहा होगा, परेशानी अलग हो जाएगी कि भाई अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहा है। तो इनसे बचने के लिए टाइम पर पहुंचे। Read and listen the directions carefully by the entry-test conducting authorities. Entry-test कौन ले रहा है? ये सवाल लगातार मेरे पास messages पे आ रहा था। आजकल मैं थोड़ा सा WhatsApp पे active नहीं हूँ, थोड़ा मुझे अपनी मसरूफियत है, तो उसमें मैं इतना respond नहीं कर पा रहा। देखिए test कौन कोई भी ले, आप लोग परेशान क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आती। भाई NUMS ले रहा है तो क्या हुआ? NUMS ले रहा है, NUMS का जो pattern है वही MCQs है, आप क्यों परेशान है उसके बारे में? हाँ, सिर्फ इतना कोशिश करें कि NUMS कुछ पास पेपर्स जो है वो आपके पास अगर है तो उससे प्रैक्टिस कर ले, नहीं है तो फातिमा जना रोड पे शाह फूड्स के पास चले जाए, उसको कहें कि NUMS के पास पेपर दे दे, उससे कुछ प्रैक्टिस कर ले। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि भाई पीएमसी का जो पैटर्न होगा वो अलग होगा, NUMS का अलग होगा? क्यों भाई, क्या अलग होगा? यही एमसीक्यूज है, एक स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा, सिलेबस आपका वही है जो आपको बताया गया है, शुरू से आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे, तो इसमें परेशानी की कोई NUMS ले, पीएमसी ले, कोई और इदारा ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी तैयारी होनी चाहिए, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप लोगों को जो ये टेस्ट टेकिंग अथॉरिटीज होती है ये कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, जैसे मैं अभी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये भी इंस्ट्रक्शन देंगे। इन्होंने अगर 2 घंटा पहले बुलाया हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ये आपको समझाएंगे। माइक में लगातार अनाउंसमेंट हो रही होगी, ये टेस्ट पेपर आप ये ले लें, उसको कैसे फिल करना है, क्या है, वो सारी बातें आपको समझाई जा रही होंगी। एक बार शुरू में उसको अच्छे तरीके से सुन लेना है, वो शुरू में सुनना अच्छा है और अच्छे तरीके से ध्यान दे के सुन लें। ये लोग इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते रहते हैं, टाइम के बारे में बताते रहते हैं बीच बीच में, वो बीच का जो सेक्शन होता है बीच में जब सुना रहे होते हैं उसको आप अवॉइड करो, उसको ना सुनो। मतलब जब टेस्ट शुरू हो गया, टेस्ट शुरू होने के बाद आपने उन पे ध्यान नहीं देना, फिर कोई ऐसे समझो जैसे आपने कानों में रुई डाली हुई है। शुरू में उसको सुन लो, जब 9 बजे जाओगे सीट्स पे बैठोगे, 9:30-10 बजे वो इंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, 1 घंटा उनकी इंस्ट्रक्शन को सुन लो, अच्छे तरीके से समझ लो, उसके बाद उस पर ध्यान नहीं देना, फिर अपना ध्यान अपने टेस्ट के ऊपर आपका होना चाहिए। इन ईच ग्रुप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट आंसर दोज क्वेश्चन दैट यू नो एंड यू आर कंफर्टेबल विद। Temporarily skip difficult questions but mark them in a margin on a question paper so you can go back if you have time. Keep in mind that easy question answered correctly counts as much as a difficult one. अब ये बात सवालों के attempt करने के हवाले से है, सवाल बल्कि मैं कहूंगा कि subject, 2 साल तक आप लोग का जो test है वो online तरीके से पहले PMC ने लिया, ऑनलाइन तरीके में मामला थोड़े डिफरेंट होते हैं। अभी आपको मिलेगा पेपर टेस्ट बुकलेट, आपको मिलेगी उस बुकलेट में सबसे पहले ये देखना है कि 5 शफल्स होते हैं, 5 किस्म की बुकलेट्स होते हैं, सवाल उनके अंदर एक जैसे होते हैं लेकिन वो सवाल तरतीब के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं, सब्जेक्ट भी उसमें किसी की बुकलेट में पहले जो है फिजिक्स लिखा होगा, किसी की बुकलेट में पहले केमिस्ट्री लिखा होगा, किसी की बुकलेट में पहले इंग्लिश लिखा होगा। तो आपने स्टार्ट करना है हमेशा हमेशा बायोलॉजी से। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा इस बात को, जो इस पे अमल नहीं करेगा बाद में रोता हुआ निकलेगा। देखें आपके टाइमिंग जो है वो है 11 से लेकर 2:30 बजे तक, तकरीबन 3.5 घंटे हैं जिसमें आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, और बहुत बड़ा टाइम है 3.5 घंटे, 200 सवाल 3.5 घंटे में आराम से हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी चालाकी चाहिए। अगर देखें एक स्टूडेंट है उसके सामने फिजिक्स पहला पोर्शन आ गया, अब वो कहता है मेरी फिजिक्स की तैयारी अच्छी भी है और मैं फिजिक्स को ही तैयार करके मैं उसको ही पहले सॉल्व करना शुरू करूंगा, होता ये है कि जो फिजिक्स या केमिस्ट्री को पहले शुरू करता है अचानक उसमें अगर सवाल थोड़े मुश्किल आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको थोड़ी पसंद भी कम होती है,
समझ भी कम आती है, हालांकि अच्छा पढ़ा हो फिर भी आपको समझ कम आती है या उस पर प्रॉब्लम आपको हो रहे होते हैं, तो अगर आपके फिजिक्स थोड़ा सेक्शन मुश्किल आ गया या उसपे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े से हार्ड आ गए, तो आपका जो दिमाग है वो उसी में उलझ जाएगा। अगर आपने दिमाग को उलझा दिया फिजिक्स में या केमिस्ट्री की मुश्किल इक्वेशंस में, मिसाल के तौर पर अगर सवाल मुश्किल आ गए, तो आप जो है नर्वस ब्रेकडाउन आपका हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका फोकस हट जाएगा, आप ज्यादा टाइम ले रहे होंगे फिजिक्स में। आप फिजिक्स में तकरीबन अगर आपने 1.5 घंटा मिसाल के तौर पर लगा दिया, केमिस्ट्री में आपने 1.5 घंटा लगा दिया, तो आप 3 घंटे तो आप वहीं लगा दिए, फिर आपके पास बायोलॉजी को अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं बचेगा। और अगर आप टेस्ट सेंटर से निकलते हैं ये कहते हुए कि मैं मेरा बायोलॉजी का एक सेक्शन ऐसा रह गया जिसको मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैं टाइम ही खत्म हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी हिमाकत है। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी कि आप उसमें पूरे सवाल पढ़ ही नहीं पाए। अटेम्प्ट करने की बात तो दूर की बात है, आपको मौका ही नहीं मिला कि आप पूरा पढ़ पाए, क्योंकि आपने सारा टाइम फिजिक्स में वेस्ट कर दिया या केमिस्ट्री में वेस्ट कर दिया। तो इस चीज से बचने के लिए जरूरी है कि आप बायोलॉजी को पहले अटेम्प्ट करें। बायोलॉजी को अटेम्प्ट करने के दो बड़े फायदे हैं, एक आप ज्यादातर सवाल सही करेंगे क्योंकि आप बायोलॉजी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समझते हैं, थोड़ा आसान समझते हैं, पढ़ाई भी अच्छी की होती है, तो आपके ज्यादातर सवाल जो है वो एक्यूरेट होंगे, सही होंगे। जब आप सही सवाल करेंगे तो आप मेंटली रिलैक्स होंगे, आपको टेंशन नहीं होगा, आप थोड़ा सा स्मूथ हो जाएंगे, काम डाउन हो जाएंगे, नर्वसनेस थोड़ी खत्म हो जाएगी और आप अगले क्वेश्चंस को ज्यादा बेहतर और पुरात्मक तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक फायदा ये। दूसरा फायदा होगा टाइम का। आप बायोलॉजी के सवाल जब करेंगे तो मेरे ख्याल से अगर आप अच्छी पढ़ाई करके जाते हैं तो 30 से 35 मिनट में आप बायोलॉजी का सेक्शन कर लेंगे, और एक बड़ा सेक्शन जब आप कर लेते हैं कम वक्त में तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी टाइम विंडो खुल जाती है बाकी चीजों को अटेम्प्ट करने के लिए। मैं ये कहूंगा कि बायोलॉजी सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, फिर उसमें भी ख्याल करना है कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपको बहुत सोचना पड़ रहा होगा। बायोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ, कुछ सवाल तो बहुत आसान होंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट पढ़ा आंसर जो है आपके सामने आ गया वो एकदम से हो जाते हैं। लेकिन कुछ सवाल बायोलॉजी के सेक्शन में सोचने समझने वाले होंगे, जिसमें बहुत सोच विचार का टाइम लग रहा है उसको आप स्किप करेंगे, टेम्परेरली स्किप कर देंगे। और ख्याल ये करना है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 25 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया कि मैं बाद में करूंगा, तो उस 25 नंबर के क्वेश्चन को जो क्वेश्चन बुकलेट है, आंसर शीट नहीं, आंसर शीट पे कोई मार्क नहीं डालना है, जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें 25 नंबर के आसपास एक आप दायरा लगा दें कि ये वाला सवाल मैं बाद में करूंगा। क्योंकि अगर आप दायरा नहीं लगाएंगे, कोई निशान आपके पास नहीं होगा, तो फिर आखिर में जब आप रीचेकिंग कर रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कौन सा सवाल किया है, कौन सा सवाल नहीं किया, किसको दोबारा पढ़ना है। टाइम वेस्ट होता जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। इसलिए सर्कल से आप क्वेश्चन बुकलेट मार्क कर लें कि आपने ये वाला सवाल नहीं किया, आप आखिर में उसको गो थ्रू कर सकते हैं, आखिर में सोच विचार वाला काम करें। पहले जितने सवाल आपको जल्दी समझ में आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करते जाएं। अगली चीज ये है, बहुत अहम बात, कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि बायोलॉजी का सेक्शन हर बंदे ने पहले करना है, आपके सामने ब्लास्ट फिजिक्स पहले आ जाए फिर भी आप उसको हटाएंगे और आप बायोलॉजी पे आ जाएंगे, या केमिस्ट्री आपके सामने पहले आ रहा है उसको आपने दूर करना है, आपने पहले बायो पे आ जाना है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत एहतियात की बात है। आप ऐसे ना हो कि कहें कि सर ने कहा है कि भाई बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करना, तो मिसाल के तौर पे आपके पेपर में बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट हो रहा है मिसाल के तौर पे 141 नंबर क्वेश्चन से। अब 141 नंबर वाला क्वेश्चन आप पहले ही कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 141 का जो आंसर है, शुरू में बायोलॉजी उन्होंने 141 से अटेम्प्ट करना शुरू किया, वो क्या करते हैं क्योंकि पहले कर रहे हैं तो 141 का आंसर वो क्वेश्चन नंबर 1 में मार्क ना कर दें, जो सर्कल फिल कर रहे होंगे, जो आपके पास ये शीट है, जिस तरह से यहाँ पे शीट आपको दी गई है, इसको OMR शीट कहते हैं, आपके रोल नंबर स्लिप में OMR शीट का जिक्र है, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं, OMR शीट यही है जो बबल्स बने हुए हैं, इसको फिल करने के तरीके में आपको आगे बताता हूँ। तो अगर ये शीट आपको मिली हुई है तो इसपे नंबर्स लिखे होते हैं क्वेश्चंस के, आपने 141 का आंसर बायोलॉजी आप पहले कर रहे हैं तो आपने 141 का आंसर 141 में ही लिखना है, ऐसे ना हो कि आप 141 का आंसर एक में कर दें। नो, शुरू में अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप सवालों की तरतीब को छेड़ दें, आपके सवालों का तरतीब वही रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं फिर उनका सीक्वेंस खराब हो जाता है।
अच्छा ऐसे ऐसे ये भी ख्याल करना है कि अगर आपने 141 का आंसर 141 में ही लिखा, सही लिखा, अब उसके बाद जो मुश्किल सवाल है, मिसाल के तौर पे 140 नंबर क्वेश्चन है, 147 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, आपने कहा मैं ये बाद में करूंगा, अब वो सवाल आपने छोड़ना है और उसको आपने क्वेश्चन बुकलेट में भी और आंसर शीट में भी छोड़ना है। ऐसा ना हो कि आंसर शीट में आप 147 का सवाल जो है उसका आंसर 146 में लिख दें, 148 वाले का आंसर 147 में। हो सकता है कि आप जब सवाल छोड़ रहे होते हैं तो गलती से इंसान जो है सीक्वेंस गलत कर देता है, 147 का जवाब 146 में, 148 का जवाब 147 में, 149 का 148 में, करता गया जब आखिर में पहुंचा 200 सवाल कर लिए, फिर उसने देखा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो सारा सीक्वेंस ही उल्टा सीधा हो गया। अब आपको वहां पर दूसरी आंसर शीट नहीं मिलती, यहाँ तो चलो आप आंसर शीट ले लेते हैं दोबारा से, वहां पर आंसर शीट आपको दोबारा नहीं मिलती, एक ही आंसर शीट मिलती है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसका इसको हल एहतियात से करना है, कहीं पर भी सीक्वेंस गलत ना हो, पहले बायो अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप फिजिक्स या केमिस्ट्री जो आपको सही लगता है उसको अटेम्प्ट करें, और उसमें भी ख्याल करें फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हमेशा लास्ट में, आप जितने भी जीनियस हैं आपको जितनी अच्छी फिजिक्स आती है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप न्यूमेरिकल्स हमेशा लास्ट में करेंगे, पहले आसान सवाल थ्योरी के, फिर मुश्किल सवाल थ्योरी के, फिर न्यूमेरिकल्स, आखिरी बारी न्यूमेरिकल्स की। अब देखिए इसमें बात अहम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कीप इन माइंड दैट एन इजी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली काउंट्स एज मच एज डिफिकल्ट वन। देखिए अगर हमें एक इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक नंबर मिल रहा है तो हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी एक ही नंबर मिल रहा है अगर हम उसको सही करते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पहले होती थी नेगेटिव मार्किंग, अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उससे बचे हुए हैं, सिर्फ मैं करेक्ट आंसर की बात कर रहा हूं। अगर आप सही सवाल करते हैं, इजी वाला करने भी एक नंबर मिलेगा, डिफिकल्ट वाला करने भी एक नंबर मिलेगा, बातें नहीं भाई बातें नहीं, कुछ ठहरे न्यूमेरिकल्स की बात करें, अगर आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हो तो न्यूमेरिकल्स सही करने पर भी आपको एक नंबर मिलता है, सबके बराबर नंबर है, लेकिन फर्क क्या है, इजी क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो फौरन आंसर आ जाएगा, टाइम लगेगा मिसाल के तौर पे 20 सेकंड, एक इजी क्वेश्चन पढ़ा आंसर उसका मार्क कर दिया 20 सेकंड लग गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपने सोचा, सोचने में टाइम लगा, मिसाल के तौर पे इसको करने में आपने ले लिए 2 मिनट। न्यूमेरिकल्स को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स आसान से आसान न्यूमेरिकल हो आपसे कम से कम 3-4 मिनट जरूर ले जाएगा, मुश्किल होगा तो और भी टाइम लेगा। अब आप इस जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं वो क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल हम पहले ही करेंगे, कर लिया चलो मान लिया, आपने 3 मिनट में सिर्फ एक सवाल सही किया, एक नंबर मिला आपको, और उसी 3 मिनट में अगर आप एक आसान सवाल 20 सेकंड में कर रहे हो तो 1 मिनट में आप 3 सवाल कर लोगे, 3 मिनट में आप 9 सवाल कर सकते हो, आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। तो चालाकी इसमें है कि 9 नंबर दिए जाए, बेवकूफी इसमें है कि न्यूमेरिकल आप पहले कर लें, बेशक आप ठीक कर लें, मैं ये बात भी नहीं कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आप गलत करेंगे, न्यूमेरिकल गलत बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन चलो मैं कहूंगा ठीक कर रहे हो। डिफिकल्ट क्वेश्चन को अगर आप पहले करते हो तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, आपने टाइम के साथ खेलना है, चीज को याद रखें, अगर आप टाइम के साथ नहीं खेलेंगे टाइम आपके साथ खेल जाएगा और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी। इसलिए पहले न्यूमेरिकल्स को छोड़े, पहले आसान सवाल थ्योरी के करें फिजिक्स में, फिर डिफिकल्ट, फिर आखिर में न्यूमेरिकल्स की तरफ आए। केमिस्ट्री में स्टोइकोमेट्री के सवाल है, मुश्किल है, न्यूमेरिकल्स बाद में कीजिएगा, इक्वेशंस है बाद में कीजिएगा, आसान आसान सवाल पहले करें, आखिर में सोचने समझने पे आए। पहले शुरू में अगर आपने सोचने समझने पे टाइम वेस्ट कर दिया, फिर आखिर में आप रोते हुए निकलेंगे कि सर 200 सवाल थे, मैं तो सिर्फ पढ़ ही सका, 160 सवाल 40 सवाल तो मैंने देखे ही नहीं,
ये स्टेटमेंट जो है मुझे नहीं चाहिए, आप लोग बाहर निकल के मेरे साथ रब्ता करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो अगर आपको ही देगा तो फिर मेरे पास उसके लिए शेम करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इतना टाइम 3.5 घंटे और फिर भी आप सवाल पूरे ना कर पाए तो बहुत ही ये शर्म की बात है। टाइमिंग विल बी मेन हर्डल। बातें बंद करें प्लीज, या मैं म्यूट कर दूं यहां से। टाइमिंग विल बी मेन हर्डल, टाइमिंग आपके लिए मेन मसला रहता है। टाइम को मैनेज करें, घड़ी जरूर ले जाएं अपने साथ, उसमें आप कितनी देर में बायो कर रहे हैं, कितनी देर में फिजिक्स कर रहे हैं, देखिए उसको देखते जाएं। मैनेज टाइम, पेस योर टाइम थ्रू आउट दी टेस्ट, सही पेस पर आनी है, ना बहुत तेज जाना है। बाज़ोकात एक्साइटमेंट में इंसान जल्दी जल्दी सवाल कर रहा होता है, उसमें गलतियां हो जाती हैं, तो बहुत जल्दी भी नहीं करनी है, बहुत डिले भी नहीं करना है। पढ़ो, समझो, स्टेटमेंट पढ़ोगे, आंसर आपके दिमाग में आएगा, उस आंसर को ढूंढने की हिमाकत मत करो। बहुत सारे सुनिए करते हैं, सवाल आ गया, आंसर भी आ गया, उसको ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऑप्शन सारे पढ़ो, ए बी सी डी सारे ऑप्शन पढ़ो, उसमें कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है उसको देखो, उसके एतबार से एनालिसिस करो। जहां पर दो दो सवाल एक जैसे उनके आंसर मिल रहे हैं या दो दो ऑप्शन मिलते जुलते हैं, वहां पर आपको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। कीप वॉच विद यू, घड़ी अपने साथ, सादी घड़ी अपने साथ जरूर ले जाए। टेक केयर ऑफ सीक्वेंस, बता दिया, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग सेक्शंस, पहले बायोलॉजी करना है, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, जो आपका दिल करे, या इंग्लिश दिल करे, लॉजिकल रीजनिंग दिल करे, आप उसको कर ले। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, तरतीब जो है किस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले आसान सवाल, डिफिकल्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल, उसके बाद ये बता दिया मैंने आपको। नो नेगेटिव मार्किंग, सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, उसका अपने फायदे होते थे, आजकल नहीं है तो बात उस पर नहीं करेंगे, लेकिन ये कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने सारे सवाल करने हैं, 200 के 200 सवाल, एक सवाल भी आप छोड़ के नहीं आएंगे। रिमेंबर टू अटेंड इंटरव्यूज, अभी बात की बात है, सब देखिए थोड़ा सा प्रोसेस को समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट प्रोसेस को आजकल समझते नहीं है। अभी जो आपका कल टेस्ट है, ये टेस्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या जिस भी डेट को वो आ जाएगा, वो रिजल्ट आपने संभाल के रखना है। और रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद बुलान मेडिकल कॉलेज, मकरान मेडिकल कॉलेज और जालावान मेडिकल कॉलेज, लोरलाई मेडिकल कॉलेज, ये अपने एडमिशन का इश्तिहार देंगे न्यूज़पेपर में। स्टूडेंट समझते नहीं है, कहते बस टाइम हो गया, बस फारिग हो गया, नहीं, ये तमाम जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं आपके प्रोवेंस के, इनका एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार आएगा। जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, उस रिजल्ट को आपने उस बीएमसी के या दूसरे जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनके फॉर्म के साथ अटैच करना है, फॉर्म को फिल करना है, अटैच करना होगा अपने रिजल्ट को, वो सबमिट करवाना होगा। ये स्टेप नंबर 2 है। फिलहाल हम स्टेप नंबर 1 से कल गुजरेंगे। आपका टेस्ट हो गया, रिजल्ट आ गया, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, मेडिकल कॉलेज अपने एडमिशन के अनाउंसमेंट करेगा और उसमें आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें रिजल्ट भी लगाना होगा, दूसरी चीजें भी लगानी होगी, उसको सही तरीके से फिल करना होगा। और उसमें कुछ और बातें हैं कि एमबीबीएस की सीट्स हैं, बीडीएस की सीट्स हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। पहले इस पॉइंट को पूरा पढ़ लें। रिमेंबर टू अटेंड इंटरव्यूज, व्हाटएवर द केस मे बी, वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। फॉर एग्जांपल, योर डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स 5 सीट्स एंड यू योर नेम आफ्टर टेस्ट कम्स टू बी एट 12th पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट, but it is important to take the interviews. Sometimes few students are rejected or join another field to so seat goes to next person, next student, but only and only if he or she has taken interview. अब होता ये है कि इंसान जब अपना रिजल्ट देखता है तो शुरू में जो भी रिजल्ट आया, मायूस हुआ या खुश हुआ, जो भी हुआ, वो रिजल्ट आपने बीएमसी के फॉर्म्स में लगा दिया। बीएमसी ने अपना रिजल्ट अलग बनाना होता है, वो पूरा एग्रीगेट बनाते हैं। अभी जो शुरू में आपका रिजल्ट आएगा वो एग्रीगेट नहीं होगा, वो सिर्फ आपके टेस्ट के नंबर होंगे। एग्रीगेट जो रिजल्ट होगा वो आपका बीएमसी वाले बनाएंगे। जब बीएमसी वाले अपना रिजल्ट बनाते हैं तो फिर वो एक लिस्ट बना के बीएमसी में चिपका देते हैं, उसी के दरवाजों पे, उसके ग्लास डोर्स पे, वो बाहर गेट पे लगाई जाती है। उस लिस्ट में जब नाम आपके आते हैं मेरिट के हिसाब से, तो बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में ही मायूस हो जाते हैं अपना नाम थोड़ा नीचे देख के। तो शुरू में मायूस नहीं होना, उसकी वजह क्या है, मिसाल के तौर पे आपके डिस्ट्रिक्ट में 5 सीटें हैं। अब स्टूडेंट समझता है कि जो 5 सीटें हैं उसमें 5 स्टूडेंट शुरू के जो टॉप पे आएंगे वही सिलेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
हो सकता है कि उन पांच में से एक लड़का ओपन मेरिट पे सिलेक्ट हो गया, तो जो ओपन मेरिट पे सिलेक्ट होगा वो अपनी सीट जो है डिस्ट्रिक्ट की खाली कर देगा, यानी कि छठे नंबर वाला स्टूडेंट पांचवे पे आ जाएगा। दूसरा स्टूडेंट कोई फीमेल है, मिसाल के तौर पे फीमेल की जो है डिविजनल मेरिट पे तीन सीटें जो है फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर की हैं, उसमें वो सिलेक्ट हो जाती है तो वो अपनी सीट खाली कर देगी, तो इसका मतलब सातवां जो स्टूडेंट है वो पांचवें नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर का जो स्टूडेंट है उसने मिसाल के तौर पर सेकेंड लेफ्टिनेंट का टेस्ट दिया हुआ था आईएसबी का, वो वहां पे मेजर सिलेक्ट हो गया, उसको किसी ने कहा कि ये फील्ड अच्छी है छोड़ो डॉक्टरी को क्या करोगे, वो वहां पे चला जाता है तो उसने अपनी सीट खाली कर दी। आठवें नंबर का स्कोर पांचवें नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद बीडीएस की सीट्स होती हैं, जो दांतों का डॉक्टर है उसके लिए सीट्स होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते नहीं है या फिर अपना फैसला खुद करते हैं कि सर क्या दांतों का डॉक्टर सही है या नहीं, हमारे तो पेरेंट्स हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो तो मजाक उड़ाते हैं दांतों का डॉक्टर है। मैं आपको बता दूं कि बीडीएस जो है दांतों का जो डॉक्टर होता है ना वो एक तो मेंटली रिलैक्स होता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे सिर्फ दांतों की फील्ड में जाना है। एमबीबीएस जो करता है वो परेशान रहता है, पांच साल बाद भी परेशान होगा, जब उसका एमबीबीएस क्लियर हो जाएगा उसको परेशानी होगी मैं अब किस फील्ड में एफसीपीएस करूं, क्या मैं स्किन वाली फील्ड में जाऊं, क्या मैं जो है अपना बोन्स की स्टडी करूं, क्या मैं ब्रेन वाली फील्ड न्यूरोलॉजी में जाऊं, क्या मैं स्टमक वाली फील्ड उसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जाऊं, मतलब वो हमेशा सोचता रहेगा कौन सी फील्ड में स्कोप ज्यादा है, उधर भी परेशानी है। बीडीएस वाले स्टूडेंट को पता है दांतों का डॉक्टर है तो स्पेशलाइजेशन उसी में करेगा और कहीं तो जाएगा नहीं। दूसरा बीडीएस का जो स्टूडेंट होता है उसको टाइम कम लगता है, एमबीबीएस पांच साल का है बीडीएस चार साल में हो जाता है, तो चार साल में आप फारिग हो जाते हो, आगे भी आपके लिए आसानियां होती है, आसानी से क्लियर कर लेते हो। तो फिर उसके बाद अगर तीसरी बात की जाए इनकम के हवाले से, देखिए अल्टीमेटली आप सब जो बैठे हैं या मेहनत कर रहे हैं वो इस जगह आप इसलिए कर रहे हैं कि एक जगह पर पहुंच जाए, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाए और उसके साथ साथ आपकी इनकम जो है वो हलाल इनकम अच्छी हो सके। अब इनकम के हवाले से जो एमबीबीएस करेगा उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जाके फिर वो एक मकाम पर पहुंचता है और फिर उसकी इनकम शुरू होती है। बीडीएस का स्टूडेंट जल्दी अपने मकाम पे पहुंच जाता है और उसकी इनकम जल्दी शुरू हो जाती है और इनकम भी अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर सिर्फ फीस नहीं कि पेशेंट से फीस ले ली, जो मटेरियल है मिसाल के तौर पर दांतों की सफाई कर रहा है उसके वो अच्छे खासे चार्जेस लेता है, कैविटी है दांतों में उस कैविटी को वो भर रहा है, उसका मटीरियल जो होता है वो अगर मिसाल के तौर पर उसको पांच रुपए का मिलता है तो वो बेचता है उसको पचास रुपए का, तो अच्छी खासी कमाई वो कर रहा होगा, पचास का मिलेगा उसको पांच सौ का बेचेगा, तो वो हर तरीके से अच्छे तरीके से जायज इनकम करने की कोशिश करेगा तो अच्छी तरीके से कमा रहा होगा, इसलिए बीडीएस करना बुरा नहीं है। आपका जो फॉर्म होता है बीएमसी का उस पे लिखा होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी प्रायोरिटी क्या है, तो आप पहली प्रायोरिटी पे एमबीबीएस लिख लें, दूसरी प्रायोरिटी पे बीडीएस लिख लें। अगर आपका बीडीएस में आपका मेरिट बीडीएस का मेरिट थोड़ा लो होता है अगर वो बन रहा है मेरिट तो आपको उसमें भी सिलेक्शन का चांस मिल जाएगा, फिर आप यहाँ फैसला कर लें कि आपको करना है नहीं करना वो अलग चीज है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम बिलाशक 12वें 13वें नंबर पे आ जाए फिर भी आपको इंटरव्यूज में जाना चाहिए। आप बहुत सारे स्टूडेंट ओपन मेरिट पे जोनल मेरिट पे डिविजनल मेरिट पे निकलेंगे फिर जाके डिस्ट्रिक्ट की बारी आती है, तो अभी कॉलेजेस भी ज्यादा हो गए हैं, मकरान मेडिकल कॉलेज है, जालावान है, दूसरे हैं, तो उसकी सीट्स भी यहीं से डिजाइन होती है, यहीं से निकलती है, तो बहुत नीचे तक भी आप जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ पांच सीटों पे फैसला मत करें, आप परेशान मत हो, आप जरूर अटेम्प्ट करें। इंटरव्यू अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, हालांकि इंटरव्यू जब होते हैं बहुत लेट होंगे, बीएमसी का उसमें जो रिजल्ट वो लगाएंगे उसके बाद वो न्यूज पेपर में अनाउंसमेंट करेंगे, ये बहुत लंबा अरसा तीन चार महीने का प्रोसेस है। आपकी क्लासेस जो है मार्च में जाके शुरू होंगी तो उससे पहले ये प्रोसेस कम्प्लीट होगा, काफी टाइम लेगा। इंटरव्यूज में कुछ पूछा नहीं जाता, इंटरव्यूज में सिर्फ नाम पूछते हैं, फादर नेम पूछते हैं, आपको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, लोकल दिखाएं, ये चीज दिखाएं, आप दिखा देते हैं बस, कोई और सवाल नहीं होता आपसे, सिलेबस से कोई सवाल नहीं पूछते, लेकिन ये है कि जाना जरूरी होता है। मुझे अपने बैच में याद है हमारा कोई साथी था, वो डेफिनेट सीट थी उसकी लेकिन इंटरव्यू पे वो सो रहा था, उसका नाम फाइनल अखबार में लिस्ट आती है तो उसमें उसका नाम नहीं था, बस वो सिलेक्ट नहीं हुआ, अगले साल फिर उसने दिया फिर सिलेक्ट हुआ, तो असल में इंटरव्यू पे जाना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंडेंस, नो कैंडिडेट विल बी एडमिट इन द टेस्ट सेंटर आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, 9:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे उससे पहले पहुंचे।
Candidate will have to produce their roll number slip at the entry point of the test center. Roll number slip आपने जरूर ले जानी है, भूल मत जाना. Without the roll number slip, no candidate will be entertained for the test. Composition of the test. Question booklet will be in 5 different shuffles. 5 booklets होंगी. आज से 2-3 साल पहले तो colors होते थे booklet के. Red booklet है, blue booklet है. वो उस पे कलर्स नजर आते थे. हर स्टूडेंट का अलग कलर होता था, उसके अंदर सवाल तो वही लेकिन वो सीक्वेंस डिफरेंट था. अभी नया निजाम है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन वो 5 मुख्तलिफ किस्म के सेट्स होते हैं, उसमें सीक्वेंस मुख्तलिफ होता है. इसलिए नकल अगर कर रहे हो, किसी और से पूछ रहे हो, तो सवाल के नंबर से कभी भी मत पूछिएगा. अगर आप सवाल का नंबर आपके टेस्ट में 5 नंबर है, तो शायद उसके टेस्ट में वही सवाल किसी 190 नंबर पर हो. तो आप जो है उस अगर चीटिंग भी करनी है या पूछना भी किसी से, तो अकल से उसको सवाल के जरिए, सवाल की स्टेटमेंट के जरिए आप पूछेगा. ईच बातें नहीं भाई. ईच क्वेश्चन बुकलेट विल बी सील्ड एंड ओपन बाय द कैंडिडेट एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट. याद रखिएगा, आपको जो टेस्ट पेपर की बुकलेट है वो एक लिफाफे में मिलती है, वो सील्ड होनी चाहिए. अगर वो सील्ड नहीं है तो फिर आप कंप्लेन करें अपने जो वहाँ पे खड़े होते हैं एग्जामिनर्स, उनको बोले कि भाई मेरी वाला जो पेपर है सील नहीं है, बाकी सबका सील था, मेरा सील नहीं है. अगर सबका सील है तो ठीक है, सबका अगर सील नहीं है तो आपका भी नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है. लेकिन सबका सील है आपका नहीं है तो फिर एतराज वाली बात है, फिर आप पूछ सकते हैं क्यों ऐसा है. डोंट ब्रेक द सील टिल द टेस्ट स्टार्ट्स. बातें नहीं करें. No candidate will be allowed to leave the seat during the test except for an unavoidable reason. कोई मसला परेशानी हो जाए तो उठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं. पानी पीना है, खुदा खास्ता तबीयत खराब हो रही है, तब आप उठ सकते हैं. All papers will be collected at the end of the test and no candidate will be allowed to move from the seat till the final count after the collection of paper. आखिर में ये होगा कि कलेक्शन जब होती है तो आपको बिठा के रखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स को एक खास एरिया दिया होता है कि भाई आपके एरिया में मिसाल के तौर पे 100 स्टूडेंट बैठे हैं, तो आपने इसलिए 100 से टेस्ट को कलेक्ट भी करना है. वो काउंट करेगा, आपसे पेपर लेता जाएगा ताकि किसी का भी पेपर जाया ना हो जाए, गुम ना हो जाए, ताकि सबके रिजल्ट आ सके. डोंट ब्रिंग कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स एंड रिस्ट वॉचेस विद कैलकुलेटर इन द टेस्ट सेंटर. आम वॉचेस तो ले जानी है, घड़ी आम ले जानी है, रिस्ट वॉचेस जिसमें कैलकुलेटर होता है वो अलाउड नहीं है. कैलकुलेटर वगैरह, मोबाइल फोन्स वगैरह अलाउड नहीं होते. अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल खैर होना चाहिए, क्यों कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती. तो लेकिन बस लोगों ने बस एक रुझान बनाया हुआ है, उसी पे चल रहा है. तो इस चीज़ पे थोड़ा ख्याल कीजिएगा, हो सकता है कि अगर आप कैलकुलेटर ले जाए तो आपसे छीन लिया जाए, आपके पेपर को छीन लिया जाए, इससे थोड़ा ख्याल कीजिएगा. अबाउट शेडिंग एंड फिलिंग द सर्कल्स. आपकी जो OMR शीट है जो आपके सामने आपको मिली हुई है, इसको फिल कैसे करना है. देखो इसको पढ़िएगा, सबसे टॉप पे नाम लिखना है. अगर नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, आजकल लेटेस्ट निजाम है तो नेम पहले से प्रिंटेड होता है. नेम अगर प्रिंटेड है तो ठीक है, नहीं है तो लिखेंगे. फादर नेम प्रिंटेड है तो ठीक है, नहीं तो लिखेंगे. फिर बुकलेट का लिखा होता है ऑप्शन के, भाई आपके पास जो बुकलेट आई है उसका कलर कौन सा है. आपको अगर रेड बुकलेट मिली है तो आपने रेड का सर्कल जो होगा उसको फिल करना होगा, या येलो बुकलेट है तो येलो पर आपने वो कलर आपको नजर आएगा. अगर कलर सिस्टम यूज किया गया है तो वो आपने मार्क करना होगा. फिर चौथी चीज होगी रोल नंबर को फिल करना. जैसे आप यहाँ पर रोल नंबर फिल कर रहे हैं अच्छे तरीके से, वैसे ही फिल करना है. रोल नंबर स्लिप के, रोल नंबर को फिल करने के बाद जो है वो क्वेश्चन होंगे. अब क्वेश्चन की फिलिंग का तरीका क्या है. मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने है. अब उस क्वेश्चन नंबर एक में इस तरह से सर्कल्स बने हुए हैं. सर्कल्स की फिलिंग ना ही आपने ओवरराइटिंग करनी है. इसके अंदर आपके पास अल्फाबेट्स हैं कि भाई 5 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक मार्क करना है. आपने स्टेटमेंट पढ़ी सवाल की, सवाल में आपको पता चला कि सी ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट है. अब सी ऑप्शन को बहुत सारे स्टूडेंट कैसे फिल करते हैं सामने देखिएगा. एक हमारा अनोखा स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो टिक मार्क लगा देता है. टिक मार्क कभी भी कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, ये कंप्यूटर स्कैनर के जरिए चेकिंग होती है. कंप्यूटर इस टिक मार्क को रीड नहीं करेगा, हालांकि आपका ऑप्शन ठीक था लेकिन फिर भी आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा, ये आंसर जो है रॉन्ग मार्क किया जाएगा. दूसरा तरीका, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सर्कल को ऐसे फिल कर लेते हैं, आधा सर्कल फिल कर लिया, ये भी गलत है.
ना ऊपर वाला तरीका सही है ना आधा सर्कल, इस तरह नहीं होगा, गलत मार्क हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट फिर ऐसे जनाब कर लेते हैं, बाहर लाइन निकली होती है, दूसरे सर्कल को टच कर रही होती है, ये गलत तरीका है, इस तरह फिर नहीं करना, ये भी गलत मार्क होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दो ऑप्शंस मार्क कर देते हैं, बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो या प्रीम्यूट करवा दूंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सर्कल दो अदद मार्क कर देते हैं कि भाई अगर ये वाला नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। कंप्यूटर को उन्होंने समझाया होता है कि मल्टीपल फिलिंग्स को रॉन्ग मार्क किया जाए, तो अगर दो फिलिंग्स होंगी सर्कल की रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जनाब, वो कहते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं सारा मार्क करके आता हूँ, ये भी ए भी मार्क है, डी भी मार्क है, कोई तो सही हो जाएगा। तो भाई ये सही नहीं होगा। कंप्यूटर को उन्होंने समझाया होता है कि मल्टीपल मार्क्स, मल्टीपल फिलिंग्स को आपने रॉन्ग मार्क करना है, तो ये रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। ओवरराइटिंग कर, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि पहले उनको लगा कि सी ऑप्शन ठीक है, अब इसको फिल कर लिया, फिर किसी दोस्त ने आसपास से समझाया कि भाई ये वाला नहीं हो सकता, बी सही होगा, तो क्या करेगा, इसको ऐसे क्रॉस करेगा, इधर साइन करेगा, और साइन करने के बाद इसको मार्क कर देगा। आपके साइन को भाई कंप्यूटर नहीं जानता, आपके साइन को कंप्यूटर नहीं जानता, तो ये रॉन्ग मार्क हो जाएगा। इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको किसी सवाल में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है तो पेंसिल का इस्तेमाल कर लो, हालांकि पेंसिल वहां पे नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने पेंसिल आपको लिखवाई थी कि ले जानी है। आप कंफ्यूजन है पेंसिल से कर लो, आखिर में जब आप रीचेकिंग कर रहे होंगे फिर आप इसको ठीक कर लीजिएगा। उस अगर गलत है तो पेंसिल से उसको इरेजर से इरेज करो, और नया वाला जो है वो पेन से मार्क कर दो। अगर यही वाला ठीक है तो इसको भी पेन से मार्क कर लो, आखिर में सारा पेन से फिलिंग होनी चाहिए। अच्छा, फिलिंग के बारे में बड़े स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर जल्दी फिलिंग कैसे की जाए। थोड़ा सा मैं सर्कल को बड़ा कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन सी है जो आपका करेक्ट है, बातें नहीं कीजिएगा। अब इसकी फिलिंग का अच्छा अंदाज ये है कि आप सबसे पहले अंदर की तरफ से आउटलाइन मार्क कर लें। इसमें थोड़ा सा एक टाइम लगेगा, अंदर से एक आउटलाइन को मार्क कर लीजिएगा। अब ये आउटलाइन जब मार्क हो गई फिर थोड़ा आसान है, फिर आप अंदर आराम से फिलिंग कर सकते हैं, इधर जल्दी हो जाएगा। बनिस्पत इसके कि आप बीच से स्टार्ट कर रहे हो उसमें आप फंसे रहोगे। आउटलाइन अगर मार्क होगी, लेकिन आउटलाइन बाहर से मार्क नहीं करनी है, अंदर से मार्क करनी है। इस तरह का सर्कल आपने पूरा फिल करना है, ये सही नंबर देगा। अगर आप ऐसे फिल करते हो मिसाल के तौर पे बीच में से, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी रहती है कि आप बाहर जा सकते हो सर्कल से, एक कोई आधी लाइन बाहर जा सकती है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, टाइम भी लेगा। शुरू में आउटलाइन मार्क कर लें और बीच में फिर आप फिलिंग करते रहे। सर्कल अगर ऐसे फिल होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आपको मार्क्स मिलेंगे। कार्बन कॉपी आपको दी होती है, कार्बन कॉपी जरूर आपके पास होनी चाहिए, उससे आप खुद अपना रिजल्ट भी बना सकते हैं। जब आपके पास करेक्ट आंसर शीट जो है वो पब्लिश वो करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। दो आंसर फिल करते हैं, ओवरराइटिंग करते हैं, रॉन्ग है, इट विल बी मार्क्ड एज जीरो। ओवरराइटिंग एंड कटिंग नियर आंसर सर्कल और एनीवेयर ऑन द आंसर शीट विल डिस्ट्रैक्ट द रीडेबिलिटी एंड मे बी मार्क्ड जीरो इन द स्पेसिफिक आंसर। ओनली यूज ब्लू पेन्स, ब्लू बॉल पेन ले जानी है। ब्लैक वगैरह कुछ कह रहे थे, ब्लैक का वो मैंने कल पोस्ट किया था, उसपे ब्लैक लिखा गया था, लेकिन आपकी जो रोल नंबर स्लिप है उसपे ब्लू लिखा हुआ है, ब्लू बॉल पेन ले जाएगा। दो ले जाए, तीन ले जाए, लेकिन ब्लू ले जाएगा। आते नहीं भाई लड़कों, बातें नहीं करो, आखिर में आपसे बात करूंगा, फिलहाल बातें मत करो। डोंट ब्रिंग एनी अदर स्टेशनरी आइटम इंक्लूडिंग रफ और एक्स्ट्रा शीट्स, एज टू ब्लैंक शीट्स फॉर रफ वर्क आर प्लेस्ड इनसाइड द क्वेश्चन बुकलेट। जो आप क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा उसमें रफ पेपर होते हैं, कोई भी आपने काम करना है रफ पेपर पे, न्यूमेरिकल्स वो आप उस पे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज आपने अपनी तरफ से नहीं ले जानी। डोंट राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन बुकलेट एक्सेप्ट योर नेम, रोल नंबर एंड साइन। आजकल तो खैर प्रिंटेड होते हैं, तो बस प्रिंटेड होगा तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो नाम लिख लीजिएगा। The question booklet will be taken back after the test is over. Don't attempt to tear or remove any page from the question booklet. No one is allowed to keep any part of it.
अब आपने जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको वापस आपसे ले लिया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सवाल इकट्ठे करने के लिए उसको पेज फाड़ देते हैं या कुछ और तरीका कर लेते हैं, तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना बुकलेट को, खुदा ना खास्ता आपके कोई इल्जाम ना आ जाए और आप पे आपसे पेपर जो है वो ले ना लिया जाए कि भाई आपका डिस्क्वालीफाई करते, इसलिए थोड़ा ख्याल करें, सवाल याद कर ले, पांच छह सवाल स्टूडेंट को याद रह जाते हैं, 10 सवाल याद रह जाते हैं उससे बना ले, या कोई और तरीका जिसमें आपको कुछ सवाल इकट्ठे हो जाए वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फाड़ने की कोशिश ना करें बीच में से। Don't ask the investigation staff about the content of the questions. They are not allowed to explain or correct any question in the paper. The checking system has the capability to determine the erroneous answers and adjust accordingly. बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जब नई सवाल आ रहा होता तो कोई वाकिफ एग्जामिनर मिल जाता है, कोई जानने वाला बंदा जो घूम फिर रहा होता है वो मिल जाता है, उससे आप आंसर पूछना शुरू करते हैं। एक तो वो आपकी फील्ड का बंदा नहीं होगा, वो आपको सही आंसर नहीं बता पाएगा, किसी और से पूछ के बताएगा तो उसकी श्योरिटी होगी नहीं, तो इससे बेहतर है कि उससे रब्ता किया ही न जाए, अपनी तरफ से अपनी कोशिश आप करें। एवरी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू साइन द अटेंडेंस शीट ब्रॉट टू हर हिम बाय एडमिनिस्ट्रेटर, द रोल नंबर स्लिप विल बी कलेक्टेड बाय द सेम स्टाफ आफ्टर द अटेंडेंस इज कंप्लीटेड। अटेंडेंस पे मार्क करना जरूरी है। You are bound to test in authority rules till you leave the test center. जब तक आप सेंटर में हैं, जो रूल्स रेगुलेशन आपको बताए जा रहे हैं वो आपने फॉलो करने हैं। Any disturbance in any way caused by you will disqualify the test from disqualify you from the test and testing authority reserves the right to carry out legal action against such attempt. कोई भी आप वहाँ पे चीटिंग करते हैं, कैलकुलेटर प्ले यूज करते हैं, वो फिर आपके साथ कुछ भी जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से लीगल एक्शन ले सकते हैं। How to fill the answer sheet? One page printed answer sheet is provided. इसे OMR sheet कहते हैं. Provided to answer the questions. Only use only ball pen blue to shape. Blue ball pen use करना है. Bring pen and clipboard with you. जो clipboard है, गत्ता है, वो अपने साथ ले जाएंगे. Erasing materials are not allowed. मैंने eraser आपको कहा, pencil वाला eraser ले जाएगा, बाकी जरूरत नहीं ले जाने की. Answer sheet contains alphabets from A and E inside against each question number. The candidate has to complete sheet, fill one circle that he she thinks is correct. For example, the candidate feels that correct answer of the question is A, then he or she may shade or fill the circle containing alphabet A with the ball pen. जो सही आंसर है उसको मार्क करना होगा, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। Personal information on the answer sheet. The answer sheet contains personal data of the candidate on the top of the sheet. It has candidate name, father's name, roll number, photograph. The candidate is required to correctly check these fields and sign in the required space. इनको आपने जो printed चीजें होती हैं उसको check कर लें, सही नाम लिखा है, father name सही लिखा है, तब sign कर दें. If any field of the personal information is found incorrect, the candidate must inform the investigator present around him. जो भी कोई गलत है, फादर नेम गलत लिखा है, आपका नाम गलत लिखा है, उसकी इंफॉर्मेशन दे दे के भाई ये नाम गलत है। फॉर टेस्ट डिपेंड अपॉन योर लेक्चर प्लस योर एमसीक्यूज प्रैक्टिस प्लस योर कोर नॉलेज या टेक्स्ट बुक नॉलेज, तीन बातों पे मैं शुरू से कहता रहा हूँ। आपने लेक्चर जो सुना है उसमें से बहुत सारे सवाल आपके आ रहे होते हैं, लेक्चर आपको आपके दिमाग में गूंजता रहता है, रहना चाहिए, उससे सवाल होंगे। दूसरा एमसीक्यूज जो आपने प्रैक्टिस किए हैं उससे कुछ आपको मदद मिलेगी। तीसरा आपकी जो टेक्स्ट बुक की नॉलेज है, कोर नॉलेज जिसे कहते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ये तीन चीजें आपके टेस्ट को अच्छा स्कोर लाने में मदद कर सकती है। बिलीव इन अल्लाह बहुत अहम बात है। शुरू में मैंने कह दिया कि दुआ ये करें जो आपके हक में बेहतर है वो चीज हो। हम तो चाहेंगे कि हम डॉक्टर बन जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता आगे कोई मुसीबत जुड़ी हो इसके साथ, तो उससे अच्छा है कि अल्लाह वही करे जो हमारे हक में बेहतर। हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड स्टूडेंट अटेम्प्ट, आपको कितने सवाल करने चाहिए। देखिए ये सवाल तब आता जब नेगेटिव मार्किंग होती। अब तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, जो भी आ रहा है करना आपको सारा है, कुछ भी छोड़ के नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Attempt questions but thinking process must be applied. Two things are important to know to score good marks. Core knowledge yani textbook knowledge honi chahiye. Level of difficulty of test. Test kitna mushkil hai, kitna aasan hai, ye bhi cheez matter karti hai. Ab isko judge karne ka tarika kya hai? Aam taur pe koi aisa khaas parameter nahi hai
कि जज कर सके कि आसान टेस्ट था या मुश्किल टेस्ट था। लोगों के चेहरे, स्टूडेंट्स के चेहरे एक पैरामीटर हो सकता है। आप थोड़ा सा मुंह उठाएं, चेहरों को देखें, अगर मुंह पे 12 बजे हुए हैं, मुंह सूजे हुए हैं, परेशान हैं, तो समझो टेस्ट मुश्किल है। अगर हंसी मजाक लगा हुआ है, खिलखिला रहे हैं चेहरे, तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट आसान है। अब टेस्ट आसान हो या मुश्किल हो, करने तो पूरे सवाल है। पहले होता था जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो जिसमें हम कहते कि भाई मुश्किल सवाल हो तो बहुत एहतियात करो, नेगेटिव मार्किंग में ना चले जाओ, इजी है तो चलो ज्यादा सवाल कर लेना। ये बातें तब आती थी जब इजीयर क्वेश्चन, जब हम कहते थे कि नेगेटिव मार्किंग है। अभी तो सारा करना है, सिर्फ इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। आसान टेस्ट होगा तो जल्दी जल्दी करते जाएंगे। बाज औकात ऐसा भी होता है कि आसान में इंसान इतना फंस जाता है कि आसानी थोड़ी सी अजाब बन जाती है। आसान सवाल भी स्टूडेंट को याद नहीं आ रहा होता क्योंकि बहुत तैयारी की होती है। तो ये थोड़ा सा आपने काम और कंपोज रहना होगा कि भाई सवाल जो आ रहा है उसको सही मायनों में पढ़ के उसका उसके रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश की जाए। ऐसा ना हो कि आसान सवाल भी आप गलत कर दें। परफॉर्म करने का दिन जो है ना वो कल है, परफॉर्मेंस आपकी कल काउंट होगी। अब 6 महीने आप टेस्टों में अच्छा परफॉर्म करते रहे, मेरे पास टेस्ट आप लेते रहे या अलग किसी भी जगह पे आप टेस्ट यूज करते रहे, चले आपने वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन अगर आप कल के दिन पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको मसला हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिकेट मैच की तरह। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आम मैचेस में या आम जगह पे, लेकिन जब मेन मैच होता है उस दिन परफॉर्म नहीं करते। बहुत सारे अभी इंडिया का भी वर्ल्ड कप चल रहा T20, उसमें आप हालत देख लें, छोटे मैचेस में हर कोई परफॉर्म कर रहा होता है, बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो आपका जो कल का दिन है ना वो परफॉर्मेंस का दिन है, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को जितना दिखा सकते हैं 100% दिखाएं ताकि आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा आ सके। बातें मत करें। I pray for the best of you all, achieve this milestone and you will be a doctor. है कल का दिन, अचीव करें milestone को, अपने लिए नाम, अपना नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, थोड़ा बहुत मेरा नाम रोशन कर दीजिएगा अगर दिल करे, आखिर में दिल ना करे तो हमें क्रेडिट ना दें, कोई मसला नहीं है। I have one complaint, वैसे तो complaint बहुत सारी है। एक complaint ये है कि आज आपकी attendance ज्यादा होनी चाहिए थी students की, आज भी आप कम नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। दूसरी कंप्लेन ये है कि इसमें जो डिटेल लिखी है उसका मैं आपको समराइज कर दूं कि जब आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं करते, हालांकि हमें किस न किस तरीके से पता चल जाता है। BMC की जो लिस्ट है वो तो मुझे मिल जाएगी, उसमें से मुझे नाम पता चल जाएंगे। उसके अलावा कहीं आप सिलेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं से आइडिया मिल रहा होता है, लेकिन अगर आपकी तरफ से एक मैसेज एक व्हाट्सएप पे जैसे आप सवाल पूछ देते वैसे अगर आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वैसे थोड़ी सी खुशी की बात है कि यार स्टूडेंट ने हमें जो है ना थोड़ा सा एक ओब्लाइज किया, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दी कि यार हमारी सीट हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, हम भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, स्टूडेंट की खुशी में हम भी खुश होते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन्फॉर्म करें। लास्ट पॉइंट नीचे लिखा है, आई नीड सम स्टूडेंट्स हु कैन कलेक्ट दिस ईयर BMC टेस्ट MCQs क्वेश्चन बाय मेमोराइजिंग एंड राइटिंग देम फॉर नेक्स्ट बैच स्टूडेंट। दूसरों के लिए भला हो जाए उसके लिए सवाल इकट्ठे करने की कोशिश हमें करते रहते हैं। आप अपना नाम अगर दे दें उस क्वेश्चन बुकलेट के साथ तो आपका नाम भी हम अगले साल के टेस्ट में मेंशन कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स आपको भी थोड़ा जान जाए कि आपने उनकी मदद की है। ट्राई टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, इट विल हेल्प यू इन योर सिलेक्शन एज अ डॉक्टर। लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल स्टूडेंट्स हु ट्रस्टेड मी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जितना मुझसे हो सकता था मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपका मैं आपके साथ अच्छे तरीके से चल सकूं, अच्छे लेक्चर्स दे सकूं, अच्छा वो गाइड कर सकूं। बाकी आपका नसीब है, आपका नसीब अगर अच्छा है तो अल्लाह करेगा आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, और कुछ? ये तो हो गई जनाब इंस्ट्रक्शंस। अब आप में से जो बात करना चाहता है, सारे बात नहीं करेंगे क्योंकि सबकी आवाज जब मिक्स होकर मुझे सुनाई देगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। जो स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है वो थोड़ा आगे आ जाए, जहां माइक है, जायद खड़ा हुआ है, जायद को बोलेंगे आपको नजदीक ले आएगा, क्वेश्चन अपना मुझसे पूछ ले जो भी पूछना चाहते हैं, आगे आगे पूछिएगा, बातें नहीं कीजिएगा, सारे बातें करेंगे मसला है। आपको Thank you.
बातें करें, सारे सारे बातें करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आगे आ जाए, आगे आ जाए। पीछे से बातें ना करें, पीछे से बातें ना करें। गैब का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मैं नहीं जान सकता कि HSC जो है वो अनाउंस होगा नहीं होगा। जब अगर हुआ तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। व्हाट्सएप स्टेटस पे आप देखते रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे लिए तालियां आप लोगों ने जिंदगी में नहीं बजाई, आप ऐसे उछने तालियां। मजाक कर रहा हूँ, तालियों की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। जी जी बोलो। किसमें आवाज समझ नहीं आई? सिंध में बातें बंद करें। सिंध में सीट्स जो है ना वो रेसिप्रोकल बेस पे होती हैं। डाउ मेडिकल कॉलेज वगैरह है, उसकी कुछ सीट्स है, मतलब लिमिटेड होंगी, 3 या 4 होंगी मुख्तलिफ कॉलेजेस में। कुछ पंजाब में है, कुछ सिंध में है, और वो रेसिप्रोकल बेस पे या तो ओपन मेरिट पे होती हैं या तो जोनल मेरिट पे होती हैं। ओपन मेरिट सबसे जो हायर टॉपर्स होते हैं उनके लिए, जोनल मेरिट पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो खास। बातें बंद करें भाई, बातें बंद करें। डॉ मेडिकल कॉलेज जो है उसमें है, नवाबशाह में एक मेडिकल कॉलेज है, पीपल्स मेडिकल कॉलेज उसमें है, लियारी का मेडिकल कॉलेज था, बेनजीर भुट्टो कॉलेज उसमें है, एक और कॉलेज भी है, लाड़काना में CMC भी था एक सीट, लेकिन ये चेंज होती रहती है। तो भाई पीछे वाले आवाज बंद करो तो मैं समझा सकूं ना, इतना समझ नहीं आता। बातें बंद करे पीछे वाले, ये चेंज होती रहती है हर साल। वो जो प्रोस्पेक्टस आएगा ना BMC का, उसमें ये मेंशन होता है, तो वो उस तक का थोड़ा इंतजार करें, हर दफा ये चेंजेस होती रहती है। सर हर 2 साल बाद सीट का वैसा हो जाएगी, क्या कह रहे हैं? हर 2 साल बाद ना सर सीट के वैसा हो जाती है, उसका में हो सकता है, लाजमी नहीं है, हो सकता है, डिपेंड करता है। देखिये 50 सीटें इन्होंने दी हुई है MMC को, और जो लोरलाई मेडिकल कॉलेज है और जालावान है उनको 50-50। वो तो PMBC या PMC जो उनको सीट्स देता है उतनी ही कर सकते हैं। बोलान मेडिकल कॉलेज की सीट्स कोई 217 होती हैं, थोड़ा बहुत शायद बढ़ जाए, लेकिन लाजमी नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस दफा बड़ी मुश्किल है। बातें बंद भाई, पीछे वाले बातें बंद। अपना देखो आप थोड़ा सा सुकून से, अभी इस तरह करोगे तो फिर लगेगा कि खानदान आप लोग के ठीक नहीं है। सच्ची बात यह है कि जब हम खुदा नफास्ता दरवाजे सत्य हमारा तो इम्कान ही नहीं है कि फैल हो जाए। अगर खुदा नफास्ता ही भी कंपटीशन भी बहुत ज्यादा, अगर हम खुदा नफास्ता रह गए ना तो फिर सर इस तरह से हम किस तरह बच सकते हैं? किससे बच सकते हैं? तो मैंने आपको आज भी अभी शुरू में बता रहा था कि थोड़ा सा जब आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज में आप ये दुआ करो जो आपके हक में बेहतर है वो हो। आपके अब आपने अपने दिमाग में बातें बंद, पीछे वाले बातें बंद करो, पीछे से बातें बंद करोगे तो यार समझ में, मैं शोर में नहीं बता सकता हूँ, शोर हो रहा है। देखिये आप अगर अपने दिमाग को ये बात समझा लें कि यार जो चीज फायदेमंद है, मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो डॉक्टर्स बन जाते हैं लेकिन जब उनके सामने मरीज आता है तो उनके हाथ कांप रहे होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे ऑपरेशन करना है उनका तो वो गलत ऑपरेशन कर देंगे। ऐसे मैंने ऑपरेशन देखे हैं जिसमें बंदे का अपेंडिक्स रिमूव करना था, गलती से कोई इंटेस्टाइन काट दी उसकी। अब जब ये वाला डॉक्टर होगा तो उस केस में कानूनी केस बन जाएगा उसके खिलाफ, और वो जेल के चक्कर काटता रहेगा।
तो इससे अच्छा है कि अल्लाह ने अगर उसको शुरू में ही बचा लिया तो बस बेहतर है ना। ये तो अल्लाह की तरफ से है कि आपको क्या सीख मिलती है क्या नहीं। ये अपने दिमाग को आप समझाएं कि यार जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। देखिये मुझे आप लोगों से खुदकुशियां नहीं चाहिए, मुझे ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए कि फलां स्टूडेंट ने टेस्ट फेल होने पर खुदकुशी कर ली। क्यों भाई, इतनी कीमती जिंदगी में खुदकुशी? मुझे आप समझा, बातें बंद करो, मुझे आप समझाओ कि इतनी कीमती जिंदगी है उसके लिए आप खुदकुशी सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपकी जो टेस्ट में सीट है वो नहीं हुई। क्या मसला है? आपके लिए और बहुत अच्छे मकाम खुले हुए हैं, अच्छी अच्छी फील्ड्स खुली हुई हैं, आपके लिए मौके अच्छे हैं, करो अटेम्प्ट उनको। या दूसरा दोबारा अगले साल फिर तैयारी करना, रिपीटर बन की कोशिश करना, किसी जगह पे एडमिशन ले लेना, गुजारा करते रहना और इधर आप टेस्ट की तैयारी करते रहो। मेरे हिसाब से आपको रजा में राजी रहना चाहिए, जो अल्लाह ताला की रजा है उसमें राजी रहना सीखेंगे, फिर डिप्रेस भी नहीं होंगे। इसमें नहीं आएगा यार, वो सीट्स कभी 10 होती हैं, पिछले साल में 17 सीट्स थी, पिछले साल तो खैर आया ही नहीं था, उससे पहले 17 सीट्स थी, होती इसी हैं 10, 12, 17। एक तो कुछ ऐसे थे बीच में आए थे जिसमें उन्होंने कुछ 150 सीटें भी दी थी, 129। वो हर साल उनको जो अथॉरिटीज कहती हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो उनको परमिशन करते हैं उसके हिसाब से। अभी जो करंटली पिछले 2 सालों में हुआ उसमें 29 सीट्स थी, 17 सीट्स बलूचिस्तान की थी, कुछ सीट फाटा वगैरह की थी। तो अभी नया जो आएगा उसका मैं नहीं कह सकता कितनी सीट्स होंगी, जब अनाउंस होगा तभी पता चलेगा। ठीक सर, थैंक यू। ओके बाय। जी भाई, और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं जानते, ये बात ही मैंने की कि देखें लगता ऐसा है कि आप जानते नहीं। अब इसमें एक बात ये हो सकती है कि आपने कभी जिंदगी में किताब उठाई ही नहीं है। अगर आपने किताब नहीं उठाई है, आप फेसबुक पे टाइम जाया करते रहे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे टाइम जाया करते रहे, फिर तो स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी आप फेसबुक देखते रहे, बात खत्म हो गई। नंबर 2, अगर आपने पढ़ाई की है, सीरियसली पढ़ाई की है, आपको अगर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कभी भी जाया नहीं होता। लगता जरूर है, वो मुझे भी लगता है, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसको लगता है कि उसको सब कुछ आता है, वो फील ये करता है कि उसको नहीं आता। मुझे भी ऐसा फील होता है कि यार मुझे ये चीज नहीं आती। और होता ये है, मैंने आपसे कहा कि जो आपका सबकॉन्शियस होता है उस सबकॉन्शियस में चीजें, डेटा स्टोर होता रहता है। जब आपके सामने सवाल आएगा, सवाल के आने पर आपका दिमाग उस स्टोर हाउस से जरूर वो डेटा निकाल के ले आएगा, तो परेशान होने की नीड नहीं है। अब लग रहा है, लेकिन अब सामने होगा बुक, ये बुकलेट आएगी, क्वेश्चन बुकलेट, पहले आपको उसमें अल्लाह का नाम ले लेना, उसके बाद आप उसको शुरू करना, बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करना, अपना नर्वस ब्रेकडाउन उन्हें ना देना, आपको आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें जो है याद आती जाएंगी। और इसके लिए आज इतना जोर देने की जरूरत नहीं है कि सर याद नहीं आ रहा तो मैं आज ये किताब भी पढ़ लूं, ये किताब भी पढ़ लूं, नहीं हो सकता। आज को छोड़ो, रिलैक्स करो, कल इंशाल्लाह चीजें जो आपके सबकॉन्शियस में वो आ जाएंगी। सवाल देखने पर खुदाना फेल हो गए तो पहले तो इसका स्ट्रेस ना लो। एक तो ये फेलियर के डर को निकालो, फेल होना एक तो लफ्ज ही गलत है, मैं इस लफ्ज को पसंद नहीं करता। बातें बंद करो, पीछे वाले बातें बंद करो। देखिए फेल होना, एक मिनट मैं बात करूं फिर आपसे पूछता हूँ आप क्या कह रहे हैं। देखिए फेल होने का लफ्ज ही गलत है, फेल होना एंट्री टेस्ट में, देखें अगर 5 सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट की तो इसका मतलब 6 नंबर पे जो आ रहा है वो अपने आप अगर फेल करेगा तो गलत है। वो उस मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया क्योंकि सीटें सिर्फ 5 थी। अगर ये सीटें 15 होती तो वो सिलेक्ट हो चुका होता, तो इसको मैं फेलियर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि वो मेरिट पे जो है वो नहीं आ सका, बस इतनी बात कहेंगे। दूसरी बात सर, जी बोले सर, रिपीटर होने के लिए क्या सर, हम एक और साल में रिपीटर है, एक आध अटेम्प्ट और करनी चाहिए, मैं उसको 5-5 अटेम्प्ट नहीं कहूंगा। एक दो बहुत सारे स्टूडेंट तीसरी बार भी दे रहे होते हैं, छुप छुपा के किसी को बताए नहीं है, चौथी बार भी दे रहे होते हैं, इतना लंबा अरसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 1-2 अटेम्प्ट तो रिपीटर बन के आप कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। दूसरी फील्ड्स की जहां तक बात है, बहुत सारी और ऐसी फील्ड्स हैं, क्वेटा में तो वो फील्ड इतनी अच्छी प्रोग्रेसिव नहीं है,
थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहा था, वो एक अच्छी फील्ड है। स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ आ सकते हैं आप, वो अच्छी फील्ड है। स्पेस साइंटिस्ट जो नासा की तरफ जा रहे होते हैं उस तरफ आप आ सकते हैं, थोड़ी सी उसकी रिसर्च करनी होगी। माइक्रोबायोलॉजी आप कर सकते हैं, एमफिल अगर आपके यूनिवर्सिटीज में होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप एमफिल कर सकते हैं, वो अच्छी फील्ड है। डीपीटी मैं नहीं कहूंगा, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी क्वेटा में इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको स्कोप वाइज कर सके, फायदा नहीं है। पीछे बातें हो रही, समझ नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग सर, नर्सिंग वाला सही है। मैं इस लेवल पे आपको नहीं कहूंगा कि आप एकदम नर्सिंग में चले जाए। आप अगर कुछ बनना चाहते हैं हॉस्पिटल से या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो मैं आपको कहूंगा आप एमफिल कर लें माइक्रोबायोलॉजी में। पहले आप एमफिल की मालूमात यूनिवर्सिटी से कर लें, एमफिल से पहले कुछ डिग्रीज होती है वो अटेम्प्ट करें। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका ताल्लुक डॉक्टर से होता है। आप मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं डॉक्टर्स को, तो आप बड़ा सोचे। नर्सिंग जो है ना वो करना छोटे लेवल पे फंस जाएंगे, बड़े लेवल पे आना है तो कुछ बड़े कोर्सेज की तरफ आना। मुलाकात में क्या करना है, मुझसे मुलाकात करें, क्या करोगे? मुलाकात करना हो किसी अच्छे बंदे से करो, हाई फाई बंदे से करो। आप लोग लड़के हो, जवान लड़के, मुलाकात करना है। चले कोई तरीका बना लेंगे, मुलाकात का भी कोई रास्ता निकाल लेंगे, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, कोई तरीका बन जाए। चले जी, वालेकुम सलाम। बातें बंद करे पीछे से यार, प्लीज सुनने दे क्या कह रहा है। सर, एच एस सी का अपना टेस्ट है, अलग टेस्ट है उसका, इससे लिख दिया उसका डायरेक्टली नहीं। एच एस सी अपना टेस्ट अलग लेता है उसके थ्रू, जहाँ वो पीएमसी के थ्रू अगर उन्होंने लिंक किया होता तो अलग बात थी। पीएमसी के थ्रू अभी तो लिंकिंग उस तरह नहीं है। जी अलग होगा, अगर होगा तो, पहले तो पता ही नहीं होगा, नहीं होगा, हुआ तो अलग उसके। अगर उसमें हुआ भी सही कि आपका ये वाला टेस्ट काउंट होगा तो उसमें देंगे कि आपके अपना ये वाला रिजल्ट जमा करा सकते हैं। चले जी, हो गई बातें, कोई और है तो फिर अल्लाह हाफिज करें। आवाज पीछे से आवाज बंद करें, सुनने आवाज नहीं है भाई, आवाज नहीं है, ये आवाज बैठ कर नहीं बैठ रहा। सर, आपने तो जबरदस्त सिस्टम कर लिया, अप्रिशिएट करता हूं। भाई पीछे से बातें बंद करो, जो उठना चाहता चला जाए, शोर शराबा ना करे। जी जी बोले। सर, तुमने आप ये रखा कि जिस तरह आपने स्टार्टिंग से लेकर आज लास्ट डे तक हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते जा रहे थे, और जिस तरह आपने आज हमें हौसला दिया, मैं रियली अप्रिशिएट यू फ्रॉम दिस ग्रेट। एंड हम ये कोशिश करेंगे कि हम जोश और सारे आप इसी को इसी तरह जो आपके मेहनत है ये लास्ट तक कंटिन्यू रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। बहुत शुक्रिया। आप हमारी कोशिश है कि आपकी तरह आइडियल टीचर्स हमें आने चाहिए, जो अपने स्टूडेंट्स की करियर के साथ साथ उन्हें फैसिलिटीज दे रहे, जैसे कि फीस के साथ साथ उन्हें
जो आपसे पॉसिबल पॉसिबिलिटी से आप प्रोवाइड कर रखा है, सो मच फॉर दिस एज वेल। थैंक यू सर। ये अभी बात ये है कि कोशिश की जाती है स्टूडेंट के साथ सिंसियर रहने की। हमारे लिए ये जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, यही बस एक कमाई होती है। बाकी तो चले ठीक है, फीस का मामला तो चल चलता रहता है, वो एक छोटी चीज है, उसको हम मेहनत करते हैं हर कोई बंदा। आप भी जब आप किसी फील्ड में पहुंचोगे तो अपनी फीस आप भी चार्ज करोगे, लेकिन ये हलाल कमाई है, अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, अपने तरीके से चल रहे होते हैं। असल जो ये आपके वर्ड्स होते हैं, आप अप्रिशिएट करते हो, यही हमारा इज्जत होती है, यही हमारी कमाई होती है। तो थैंक यू इसके लिए। चले जी, मेरे ख्याल से सबने बात कर ली है। सर, स्वयं टीचिंग फॉर लास्ट 6 इयर्स आई हैवंट सीन एज मच रिस्पेक्टेड एज मच ऑनर्ड टीचर एज यू आर, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एज वेल, एंड यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस आफ्टर द लास्ट ऑफ योर सोल। यार कब तक करेंगे, अभी तो बूढ़े होते जा रहे हैं, कब तक करेंगे? उम्र बढ़ती जा रही है, अभी छह घंटे लगातार क्लास लेना उम्र पूछेगी। अभी तो चलो ठीक है कर रहे हैं, 3-4-5 साल उसके बाद फिर बस थक जाएंगे, और क्या करते रहेंगे? जरूरी है कि सारी जिंदगी करते रहे? उसका मैं तरीका निकाल रहा हूँ कि आपके लिए सर्विस में देता रहा हूँ, उसका मेहनत में अभी कर रहा हूँ उसके ऊपर। मैं देखे बेसिकली इंसान का जो मकसद होता है ना, वो सिर्फ कमाना नहीं होता। अल्लाह ने जितना कर्म किया है, अब देखिए थोड़ी हिस्ट्री पे अगर जाएं, आप लोग मेरी हिस्ट्री नहीं जानते। स्टार्ट मैंने कैसे किया, किस तरह किया, मैंने कभी ये बात देखिए बताई भी नहीं है। इसलिए नहीं बताई कि बातें बंद करें, बातें बंद कर लें। देखिए मैंने अपनी हिस्ट्री नहीं बताई इसलिए क्योंकि मैं किसी की हमदर्दी हासिल करना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह ही निकला हूँ। मैं कोई सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुआ था। 2002 में मेरी जो स्टेटस था, मेरा तरीका था, वो आपकी तरह, अभी मैं आपकी तरह एक सादा सिंपल सा इंसान हूँ। मुझे आम लोगों में घुलना मिलना पसंद है, मुझे गाड़ी से ज्यादा मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना पसंद है, मैं रोड पे आराम से घूमना फिरना पसंद करता हूँ, मैं रिलैक्स करना पसंद करता हूँ। मेरी जिंदगी जो है रिलैक्स होने में ज्यादा मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस तरह के लेक्चर्स पे आ जाऊँ जिसपे मुझे ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। मेहनत तो करें स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अपने आप को रिलैक्स भी करें, तो उस तरफ मैं अब स्टेप्स ले रहा हूँ। थोड़ा सा मैं नया टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो अब आगे अगले स्टूडेंट्स उससे फायदा उठाएंगे। जी सर, उम्मीद है कि आप करेंगे सोमवार जी लोगों से लाइव बात करते हैं, अभी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे बात करते हैं जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम हमारा टेस्ट हो जाए, तो जब हम पास हो जाएंगे तो आप अभी तो पुलिस के ठहरने का जिस 43 ग्राम एक से बीएमसी का जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म में इन्होंने ओपन मेरिट के कॉलेजेस दिए होते हैं। अगर आप ओपन मेरिट पे, जोनल मेरिट पे या डिविजनल मेरिट पे सिलेक्ट होने के आपके चांसेस हैं, तो उस बीएमसी के फॉर्म में प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि भाई पहले नंबर पे आप मिसाल के तौर पे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है लाहौर जाना चाहेंगे, दूसरे नंबर पे आप मिस्टर मेडिकल कॉलेज बोलता है, वो लिस्ट उन्होंने दी होती है, आपने अपने प्रायोरिटी के हिसाब से उसको लिखना होता है। बातें नहीं भाई, पीछे से बातें। एक मिनट यार, पीछे से बातें बंद करो, आवाज नहीं आ रही। डोमिसाइल अगर जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, तो हो सकता है, जेन्युइन होना चाहिए, गलत ना बनाओ, हो सकता है। Thank you.
क्या कह रहे हैं जी? नाम सर क्या पूछना है? नम्स की ये किम्स की बात कर रहे हैं, कोयटा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की उसकी बात कर रहे हैं। देखिए ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में फर्क तो होता है। वो प्राइवेट कॉलेज है, पेमेंट करके जा रहे होते हैं, तो लाजिम बात है उसमें सर्विसेज अच्छी हैं, टीचर टाइमली कोर्स खत्म करते हैं, 5 साल का कोर्स आपका टाइम पे पूरा हो जाता है, थोड़ा सा बेहतर निज़ाम है उनका, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो बेहतरीन जगह है। उसमें कुछ सीटें हैं जो सब्सिडाइज हैं, जिसमें आपको अपना जो इनकम है, फादर का इनकम रिसोर्स वो दिखाना होता है। अगर वो खास सर्टेन लेवल से कम होती है इनकम, तो फिर वो आपको स्कॉलरशिप या सब्सिडाइज यानी कम फीस में आपको दे देते हैं। सर नाम्स का जो होता है, जो नाम्स कितने साल लगते हैं? हो गए अभी तो बीएमसी भी खैर बेहतर हो गया है, पहले पुराने जमाने में तो बहुत टाइम लगता था, अभी तो बीएमसी भी 5-5.5 साल में हो जाता है। लेकिन ये कि नम्स वाला जो है वो 5 साल कहते हैं, 4.5-5 साल में हो जाता है, थोड़ा फर्क रहता है। लेकिन ये कहते हैं सर्विसेज बेहतर है, टीचिंग स्टाइल थोड़ा बेहतर होगा, पेशेंट पे ध्यान थोड़ा बेहतर होगा। नम्स की फीस ओवरऑल तो बहुत ज्यादा है, 10 लाख या 11 लाख रुपए होगा ओवरऑल जो 1 साल का है। लेकिन ये है कि जो सब्सिडाइज्ड होते हैं, जिनकी इनकम जो है सर्टेन 50,000 या उसके खास वैल्यू से कम होती है, उसका सर्टिफिकेट देना होता है, तो उस केस में अगर आप मेरिट पर सिलेक्ट होते हो तो उसमें वो कम है। पिछले साल वो 1 लाख थी, अब शायद 1.5 लाख कर दिए होते हैं साल की। अभी क्या करें? अच्छी बात है आपका रिजीव मुख्तलिफ जगहों पे हुआ है, तो अभी भी आप कोशिश करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अच्छी जगह सीट आपकी मिल जाएगी। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर। चले जी खत्म करते हैं सेशन, बेस्ट ऑफ लक आप लोग, अल्लाह कामयाब करे। ठीक है जी। सर हमने जो रजिस्ट्रेशन करते हो गए फर्स्ट ईयर मार्क्स हमने देखा था, अब एक कल जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स कितना है या सेकंड ईयर की या फिर चली दोनों के लिए? किस में टेस्ट के? टेस्ट में मार्क्स नहीं लिखने होंगे, मार्क्स की सिर्फ रोल नंबर नेम वगैरह फिल करना होगा, मार्क्स का काम वो बाद में बीएमसी जब आपसे फॉर्म मांगेगा उस टाइम आप लिखने होंगे, अभी कोई सिर्फ नहीं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह कामयाब करे।